वाराणसी में जिला प्रशासन जहां एक ओर मिलजुल कर रहने की अपील कर रही है तो वहीं दूसरी ओर बीएचयू में प्रोफेसरों के आपसी राजनीति की वजह से सौहार्द नहीं बन रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संस्कृत धर्म विज्ञान में गैर हिंदू प्रोफेसरों की नियुक्ति की वजह से धरने पर बैठ गए हैं। छात्र लगातार गैर हिंदू प्रोफेसर की नियुक्ति को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ प्रोफेसर छात्रों के समर्थन में हैं। ऐसे में देखा जाए तो जहां पूरे देश में आपस में सौहार्द बने रहने की अपीलें की जा रही हैं, वहीं महामना की बगिया में कुछ लोग छात्रों को मोहरा बनाकर आपसी मतभेद बढ़ाने में लगे हुए हैं। सर्व विद्या की राजधानी कहे जाने वाले बीएचयू में संस्कृत धर्म विज्ञान विभाग के छात्र कुलपति आवास के सामने धरने पर बैठे हैं और गैर हिंदू प्रोफेसरों की नियुक्ति को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उनके विभाग में गैर धर्म के प्रोफेसरों की नियुक्ति कर विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया गया है। छात्रों ने बताया कि किसी भी गैर हिंदू धर्म के व्यक्ति का इस संस्थान में प्रवेश वर्जित है और इस बात का साफ उल्लेख संस्कृत विभाग के बाहर शिलापट्ट पर किया गया है। छात्रों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए प्रोक्टोरियल बोर्ड टीम के साथ लंका थाना क्षेत्र के पुलिस टीम को मौके पर तैनात कर दिया गया है। प्रोक्टोरियल बोर्ड की तरफ से इस मामले को लेकर छात्रों को हिदायत भी दी जा रही है। मैं धरने पे नहीं बैठा हूँ, मैं सुरक्षा में बैठा हूँ। मैं प्राक्तन हूँ। यहाँ लड़के थोड़ा कुछ उपद्रव कर रहे हैं जो विधि सम्मत नहीं है। उपद्रव हमारे संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में चयन हुआ है एक मुसलमान युवक का, तो लड़कों का कहना है कि वो चयन ठीक नहीं हुआ। चयन समिति सिलेक्शन समिति विधि नियमानुसार सिलेक्शन की है। अभी लड़के हैं उन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं जो नियम विरुद्ध है। इस तरह का इनको आंदोलन नहीं करना चाहिए। हम लोग इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए कि इस तरह के कोई वातावरण ना पैदा करें। नहीं देखिए, हमारे ऑर्डिनेंस में ऐसा कोई नियम नहीं है। हमारे यहाँ विज्ञापन निकला था, विज्ञापन के अनुसार सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन किया है, तो इसमें कुछ ऐसा नियम विरुद्ध नहीं है। शिलापट्ट में लिखा हुआ है, शिलापट्ट में जो लड़के बता रहे हैं बातें लिखी हुई हैं शिलापट्ट में। अब शिलापट्ट में जो लिखा हुआ है वो ऑर्डिनेंस में है कि नहीं है, ये सारे चीज़ों को समझना पड़ेगा। विरोध हम लोगों का ये है क्योंकि संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय गुरुकुल है और गुरुकुल में जैसे महामना मूल्यों का पत्थर उसमें शिला एक लगा हुआ है जिसमें स्पष्ट रूप से लगा हुआ है कि हिंदू धर्म से जो इतर हैं, हिंदू धर्म में यानी कि आर्य समाज जैन बौद्ध आदि आ सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। उसमें स्पष्ट शिला में लिखा हुआ है कि जो हिंदू धर्म से इतर हैं उनका प्रवेश वर्जित है। तो जब प्रवेश वर्जित है, महामला के मूल्यों में लिखा हुआ है कि प्रवेश वर्जित है, तो कैसे प्रवेश करेगा? जब प्रवेश करेंगे तो पढ़ाएंगे, तो जब महामना के मूल्यों को ये लोग, या तो ये लोग महामना के मूल्यों को नहीं मानते हैं, खाते महामना की और महामना के मूल्यों को नहीं मानते हैं, या तो ये लोग केवल मूल्य ले रहे हैं और महामना के मूल्यों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए, वो भी विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे बैक सपोर्ट में हैं। जहाँ तक हमारे डीन भी हमारे साथ बैठे रहे, हमारे यहाँ के एचओडी जिन्होंने नियुक्ति दी है, एचओडी जिन्होंने नियुक्ति दी है, उन्होंने खुद ये बात स्पष्ट की है कि मेरे ऊपर ऊपर से दबाव था, प्रेशर था। डीन ने भी यही चीज़ कहा है कि ऊपर से दबाव था, प्रेशर था। तो क्या ऊपर वाले पैसा लेकर मनमानी नियुक्तियाँ कर रहे हैं? दरअसल मैं ही धरना पर नहीं बैठा हूँ। हमारे जैसे आज लगातार जब से नियुक्तियाँ चल रही हैं, न जाने कितनी टोलियाँ बैठ के जा चुकी। दरअसल बात क्या है कि यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो जहाँ से इस देश की संस्कृति और सभ्यता का एक अलग मिसाल है, एक अलग पहचान है जो इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय देता आया है, हमारा संस्कृत संकाय। कहा गया है भारत से प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तु था। यदि भारत को यदि कोई प्रतिष्ठित करता है तो यहाँ की संस्कृति और यहाँ की संस्कृत भाषा। तो कल संस्कृत भाषा में एक अयोग्य व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया है पैसा रुपया लेकर के। तो हम ये कह रहे हैं कि आप, क्योंकि यह कोई टेंडर तो है नहीं कि कुछ दिनों के लिए चला जाएगा। कोई व्यक्ति नियुक्त होता है तो अपने जीवन के 65 वर्षों तक पढ़ाएगा। वो 65 वर्षों में न जाने कितने छात्र आके पढ़ के जाएंगे, तो इतनों का भविष्य चौपट होगा। इसी के खिलाफ आज पूरा शंकाय बंद करा करके सारे गुरुजनों के समर्थन को समर्थन में लेते हुए हम सभी छात्र यहाँ धरनारत हैं